अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भगारा खाना। भगारा खाना बनाने के लिए मैं स्टोव पे बाउल रख ली और मैं इसमें ऑयल गरम कर ली। अब मैं इसमें ले लेती ऑनियन जो कट करके रखी थी, दो ऑनियन। इसको अच्छे से सॉटे कर लेना। मैं इसमें ले लेती जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसमें ले लेती जो कट करके रखी थी 2 पोटैटो। ये ऑप्शनल है, डालना है तो डाल सकते, नहीं तो नहीं। मैं डाल ले रही। अब मैं इसमें ले लेती हल्दी पाउडर। इसमें ले लेती 1 कैरेट जो मैं कट करके रखी थी। अब इसको ऐसा 5 to 10 मिनट तक अच्छा सॉटे कर लेना। देखिए अच्छे से फ्राई हो गए वेज। एक्चुअली पोटैटो एंड कैरेट ऑप्शनल है, आप पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं। मैं मेरे पसंद से मैं डाल ली। अब मैं इसमें वाटर ले लेती। मैं 6 ग्लास ऑफ राइस ली थी। देखिए मैं पानी डाल ले रही। अपन कितना चावल लिए है उसके हिसाब से लेना है। मैं 6 ग्लास ऑफ चावल ली थी। मैं इसको बासमती नहीं है ये इसलिए मैं यहाँ के चावल के हिसाब से मैं एक ग्लास पे 2 डालना पड़ता। अब मैं इसमें ले लेती साल्ट ले ली। अब मैं इसमें ले लेती गरम मसाले की चीज़ें डाल लेती इसमें। अब मैं इसको ढक के रख देती 15 to 20 मिनट्स तक, पानी अच्छा उबले तक मैं इसको ऐसा रखती। इसके बाद में मैं चावल डाल लेती इसमें। मैं इसमें ले लेती कोरिएंडर लीव्स। मैं वाटर डाल ली। वाटर के बाद में मैं गरम मसाले की चीज़ें डाल ली और साल्ट ले ली 6 टी स्पून्स ऑफ साल्ट। और मैं इसमें ले लेती कोरिएंडर के लीव्स। सो इसको मैं 15 to 20 मिनट्स तक पका लेती, पानी अच्छा उबले तक इसको ऐसा ढक के पकाना है। देखिए हमारा पानी ऐसा उबल गया। अब मैं इसमें ले लेती चावल। ऐसा उबले तक अपन पानी को ऐसा रखना 15 to 20 मिनट्स तक। मैं इसको रख ली। अब मैं डाल लेती इसमें चावल। डालने से पहले मैं थोड़ा ले लेती गरम मसाला पाउडर इसमें 1 टेबल स्पून। इसको ऐसा हिला लेती। अब ले लेती चावल इसमें। ये मैं इसमें चावल भी डाल दी। अब मैं इसको 15 to 20 मिनट्स तक दम पे रख लेती। पूरा 100% इसमें राइस कुक हो जाना जब भगारा खाना बन जाता। देखिए हमारा भगारा खाना रेडी। अब मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।